दोस्तों, अगर आपका बजट अंडर 15,000 रुपए है और इस प्राइस पॉइंट पर आप एक बेस्ट फोन खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको इस टाइम के टॉप 3 सबसे बेस्ट फोन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको हर एक फीचर्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल, साथ ही इन सभी फोन में आपको बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और बहुत सारे फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों प्लीज यार इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो फोन किस प्राइस रेंज में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। नंबर 3 पर है मोटो का मोटो G40 फ्यूजन। इसके साथ इस फोन में आपको मिलेगा बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के साथ। इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेस प्रूफ का फीचर्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.8 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरे का स्लोट, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 8nm का प्रोसेसर है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इस फोन में। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है काफी तगड़ा बैटरी जो कि है 6000mAh का, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा 22W का फास्ट चार्जर। दोस्तों इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ 14,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पर है Xiaomi का Redmi Note 10। यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही इसमें मिलेगा आपको स्पेस प्रूफ का फीचर्स और डस्ट प्रूफ का फीचर्स। इसके साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 6.43 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी मिलती है सुपर AMOLED। करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा क्वाड कैमरे का सेटअप, जहां पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ यहां पर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके साथ फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आगे चलते हैं बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 वाला प्रोसेसर, जो कि नया प्रोसेसर है और 11nm के साथ आता है। इसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा 5000mAh की बड़ी बैटरी, साथ ही आपको मिलता है 33W का फास्ट चार्जर। इसके साथ दोस्तों ये फोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम और 6GB रैम। तो अगर आप 6GB प्लस 128GB के साथ इस फोन को परचेज करते हो तो ये फोन आपको 14,500 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर है Xiaomi का Redmi Note 10S, जो इसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है Android 11 का सपोर्ट, साथ ही इस फोन में आपको मिल जाएगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये फोन आता है स्पेस प्रूफ और डस्ट प्रूफ फीचर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.43 इंच यानी कि लगभग 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन और 60Hz का रिफ्रेश रेट। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले तो काफी अच्छी दी गई है। इस फोन के बैक साइड में आपको मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, तो कैमरे की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी है। दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो का G95 वाला प्रोसेसर और ये जो प्रोसेसर है 12nm के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इस फोन के बैटरी की तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों इस फोन को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये फोन 6GB प्लस 64GB के साथ आपको 14,999 में मिल जाएगा। नंबर 1 पर है पोको का पोको X3, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा फोन है। दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, साथ ही इस फोन में आपको मिलता है साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके साथ ये जो फोन है दोस्तों स्पेस प्रूफ वाले फीचर्स के साथ आता है। चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन।
इसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की, तो इस फोन के बैक में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। और सेल्फी की बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस भी इस फोन में बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। इसके साथ यहाँ पर बैटरी की बात करें तो बहुत ही तगड़ा बैटरी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 6000mAh का। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है 33W का फास्ट चार्जर। फोन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन अगर आप अभी परचेज करना चाहते हो तो 6GB प्लस 64GB के साथ 14999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को 8GB प्लस 128GB के साथ परचेज करना चाहते हो तो ये फोन आपको 18000 रुपये के आसपास के प्राइस में देखने को मिल जाएगा।